बंजार उपमंडल की ग्राम पंचायत खाबल के गांव पुजाली में लगभग 90 वर्षों के पश्चात काष्ठकुणी शैली में नवनिर्मित मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के साथ साथ माता पंचाली के नए रथ की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य देव लगन अनुसार किया गया। इस दिन कार्य में जिला कुल्लू व मंडी के सैकड़ों हरियाणों व श्रद्धालुओं ने अपनी हाजिरी भरी। कुल्लू के अंतर्गत बंजार उपमंडल की ग्राम पंचायत खाबल के गांव पुजाली में माता पंचाली के नए रथ की प्राण प्रतिष्ठा की गई। देवता के गुरु जगदीश शर्मा और कारदार धनीराम ने बताया कि माता पंचाली के नव निर्मित भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा परंपरा अनुसार और विधिवत रूप से संपन्न हुई है। उन्होंने कहा कि माता का आशीर्वाद लेने आए सभी भक्तों के लिए मंदिर कमेटी और यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया था। कारदार ने बताया कि मंदिर के निर्माण में लगभग 3 वर्ष का समय लग गया। उन्होंने कहा कि ये मंदिर पूर्ण रूप से लकड़ी से बनकर तैयार हुआ है। कारदार ने बताया कि इस मंदिर में लगी हर लकड़ी में कारीगरों द्वारा अद्भुत चित्रकारी की गई है। उन्होंने बताया कि ये मंदिर लगभग 2 करोड़ की लागत से निर्मित हुआ है और इस मंदिर के निर्माण के लिए हरियाणा और अन्य राज्यों के लोगों ने भी अपना सहयोग दिया है। मेरे दादे, मेरे पिताजी के दादे के टाइम में हुआ पीछे कभी रथ का निर्माण, मंदिर का उससे भी प्राचीन है, इसका कोई हमको पता नहीं। हम तो पहले भी हुए बहुत प्राचीन जो प्राण आई है, ये जब से दे दिया तब से ही बना है। तीन दीवारें खोली, बाकी बीच वाली दीवार माता ने खोलने नहीं दी, वो अभी भी वही है जिस वक्त देवी आई उस वक्त का ही है। और इस माता का जो मंदिर जो है मतलब प्राचीन काल से जो है 1600 ईस्वी में जो है मतलब छोटा सा मंदिर जो है 1600 ईस्वी में बना है, और उसके बाद जो है इस जो बड़ा मंदिर जो इससे पहले था सिलान मंदिर उसको जो है 83-84 साल में। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।